बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से एक और यानी कि फ्लैट्स के मुतल्लिक यानी कि पाबंदियों के मुतल्लिक एक अच्छी खबर नहीं है जी। मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले न्यूज़ शेयर की थी जिसमें तकरीबन 6 या 8 कंट्रीज़ के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी, और अभी आज एक और कंट्री का नाम कर दिया गया है, सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अभी एक चीज़ क्लियर करूँ भाई कि आपको इस वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं सऊदी में दोबारा से, हालांकि बूस्टर डोज के मुतलक भी आपको पता है वो भी लग चुकी है तकरीबन तमाम अफराद को। अब मैं खुद से बूस्टर लगवा कर पाकिस्तान में आया हूँ और सेफ्टी वगैरह का पेपर वगैरह निकलवा कर लाया हूँ। और वैसे PCR टेस्ट वगैरह एयरपोर्ट के ऊपर नहीं चलता है जी, मैं आपको क्लियर कर दूँ इस वीडियो। वैसे मैं लाइव ब्लॉग तमाम तरह शेयर कर चुका हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर कौन कौन से कागजात मांगे जाते हैं वो आपको लाइव सब कुछ दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आपको कुछ वीडियो जो भी उसके मतलब दिखा रखा हूँ, यानी कि सेफ्टी का पेपर और तवक्कलना का पेपर वहाँ पर वो भी देख ले तो देख ले, लेकिन निकलवा लें बेस्ट यही है। PCR टेस्ट आपका नहीं वहाँ पर चलेगा, अभी आपको करवाने की 120 या 160 150 कितने भी है जी वो लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास बशर्ते कि आपने 3 डोज लगवाई हो। बूस्टर डोज मैं खुद से लगवा कर आ चुका हूँ, अभी 4 डोज यानी कि 4th डोज के मतलब भी आपको पता है जी, सेकंड बूस्टर डोज उसे बोल सकते हैं, वो भी शुरू हो चुकी है लगना। और मेरी सेफ्टी के ऊपर अभी भाई अन एलिजिबल आ रहा है, और मेरा भाई है रियाज में, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज भी दिया था, उसने लगवा भी लिया है, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी सेफ्टी अभी से चेक कर सकते हैं, आपको 4th डोज के लिए आप अहल हैं या नहीं है इसके मतलब आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अभी इस कंट्री के मतलब ये आ चुका है सामने, वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं इसमें ये आप सबसे पहले तो ये देख लें जी, यहाँ पर आपको मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ, आप पढ़कर सुनाते हैं। रफा तालीक सफर अलमवातनीन अलमुबाशर और गैर अलमुबाशर अलजमहूरिया इंडोनेशिया जी। इंडोनेशिया से वैसे हाजी आ रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर करूँ जी, लेकिन तमाम तर अगर कोई इंडोनेशिया में इस वक्त बैठा हुआ है तो वो सऊदी अरब में पहुंच जाए, इसके मतलब आपको क्लियर कर दूं मैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गैर मुल्की हैं जी वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं तो उनके ऊपर पाबंदी होगी? उनके ऊपर पाबंदी ये है जी कि सऊदी अरेबिया के तमाम अफराद यानी कि जो सऊदी अरब में रहते हैं जी, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी किसी दूसरी कंट्री से भी होते हुए या सऊदी अरब से डायरेक्ट भी इंडोनेशिया का सफर नहीं कर सकते हैं। इंडोनेशिया के लिए पाबंदी लगाई गई है, यानी कि सिंपल लफाज में अगर बात करें तो इंडोनेशिया अगर कोई जाने ही नहीं दे रखे हैं ये, तो भाई वापसी का सफर कैसे है, यानी कि जाने आने के ऊपर ही पाबंदी समझ लें आप इसे। तो पहले 6 ममालिक के नाम लिए गए हैं, इनमें इंडिया का भी नाम शामिल था उनमें, अभी इंडोनेशिया का नाम भी सामने आ चुका है, अफगानिस्तान का नाम भी सामने आ चुका है, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नाम कोई भी सामने नहीं आया ऐसी लिस्ट में। और मैं दुआ करता हूँ ऐसा कोई नाम आए भी ना, मैं खुद से बैठा हुआ पाकिस्तान में। बहरहाल जो भी होगा जी वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। आपके साथ इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी शेयर करता रहूँगा।